मैं रेणु मिश्रा, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का अध्ययन और अध्यापन करने जा रहे हैं। आज दूसरी इकाई से पाठ 2 का, जिसका शीर्षक है जीवन, उसका हम अध्ययन करेंगे। जीवन एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसको डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा जी ने अपने सुंदर शब्दों में कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ इस कविता में उन्होंने बताया है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। हमारी बोली सरल, सुमधुर, मीठी होनी चाहिए। ये हमें कविता ये सारी बातों को अपनाने का संदेश देती है। आइए इस कविता का वाचन करते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। कवि कहते हैं कि जीवन में हमें आलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना नहीं चाहिए। ये हमेशा आलसी बनकर आराम करना जीवन नहीं कहलाता है। हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते मतलब वॉक करना नहीं, चलते मतलब श्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम जीवन में श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो ही वो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसीलिए कवि ने बोला है जीवन है चलने का नाम। जीवन में हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, श्रम करते रहना चाहिए। आलसी बनकर हमें आराम नहीं करना चाहिए। आराम करना जीवन नहीं कहलाता है। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। जैसे आप घड़ी को देखिए, घड़ी हमेशा टिक टिक करती हुई चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती है। वो अपना सारा काम अपने टाइम के अकॉर्डिंग करती है। उसे कब 12 बजाना है, कब 1 बजाना है, वो अपने सारे काम अपने समयानुसार ही करती है। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। फिर कभी क्या कहते हैं कि हम सभी को घड़ी के समान ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे घड़ी 24 घंटे श्रम करती रहती है, हमको समय बताती रहती है, उसी तरीके से हमें भी घड़ी के समान आगे बढ़ते रहना चाहिए और सूरज की तरह निरंतर हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। फिर कभी क्या बोलते हैं कि हमें कण कण में, यानी धरती, आकाश, सब जगह अपनत्व का अनुभव करना चाहिए और सबको सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। लहराना सागर से सीखो, आसमान से हृदय विशाल। कभी कहते हैं कि सागर से हमें उसकी तरह लहराना सीखना चाहिए और आसमान की तरह विशाल हृदय वाला बनना चाहिए। कि हमें सागर और आसमान से ये सीख लेना चाहिए कि हर एक परिस्थिति में हमें कैसे खुश रहना है, अच्छे से लहराना है और आसमान की तरह सारे सबके गुणों को, अवगुणों को अपने हृदय विशाल करके अपनाना चाहिए। फिर है मिल सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल कर करते जाना काम। फिर कभी क्या बोलते हैं कि जिस तरह ये जो धरती है वो सब कुछ सह लेती है, हम इंसानों को, प्रकृति के अत्याचारों को, जानवरों, पशु पंछी, सब गंदगी, हर एक चीज़ को जिस तरीके से धरती सहन कर लेती है, उसी तरीके से हमें भी सहनशील होना है। हमें भी धरती की तरह सब कुछ सह लेना चाहिए और उसकी तरह सहनशील होकर हमको मिलजुल कर अपने समाज में मिलजुल कर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो
हमें सागर की तरह लहराना सीखना चाहिए, आसमान की तरह हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, धरती माँ की तरह हमें सहनशीलता होना चाहिए। फिर कवि आगे बोलते हैं कि जो चलता वो आगे बढ़ता, जो चलता वो आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पाता पदनाम। कि कभी क्या कहते हैं, जो चलता रहता है यानी जो हमेशा मेहनत करता रहता है वही आगे बढ़ता है, उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है, ऊंचा पद और यश प्राप्त करता है, यानी कि उसका समाज में नाम होता है। माँ फिर कि हमें हमेशा मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत से श्रम से ही हमारा जीवन सुदृढ़ और सुंदर बनता है। फिर कभी बोलते हैं, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, माँ की बोली की तरह मिठास भरी होनी चाहिए और हमारे मन में सच्चाई भरी रहनी चाहिए। इस सच्चाई से ही हमारे मन में सुंदर ऊंचे विचार आएंगे। तो कवि क्या बोलता है कि हमारी बोली, चाहे समाज में हमें किसी भी तरीके के लोगों को सामना करना पड़े, किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, माँ की तरह होनी चाहिए। और जो हमारा मन है उसमें हमेशा सच्चे विचारों की उपज होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा सच्चे विचार होते हैं तो लोग हमारा मान सम्मान करेंगे। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। कवि क्या बोलते हैं कि हम सबको अपने जैसा ही मानना चाहिए और हमें सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। ये जो जीवन है वो चलते रहने का नाम है, श्रम करते रहने का नाम है, हमको आलस करके बैठना नहीं है। जैसे घड़ी अपने समयानुसार समय बताती है, अपना काम करती है, उसी तरीके से हमको भी अपने जीवन की और दिन की दिनचर्या को समयानुसार करना चाहिए। अपने कामों के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें माँ से सीखना है, अपने विचारों को उच्च करना है, सेवा करना है, अपने विचारों को सुंदर और सुदृढ़ करना है। और इन सभी चीज़ों को जब हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सुंदर सुदृढ़ और सुव्यवस्थित हो जाता है। बच्चों, आपके वर्कबुक में जो प्रश्न उत्तर हैं उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कविता है जो आपको कि कंप्लीट करनी है, ये मैंने होमवर्क यानी कि गृह कार्य हेतु दिया है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कविता का वाचन करना है और शब्दों को ढूंढकर इस कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। इसी तरीके से पृष्ठ 54 पर भी जो कृति क्वेश्चन आंसर है वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कविता की पूर्ति को का जो क्वेश्चन है उसको मैंने गृह कार्य हेतु दिया है। ये भी आपको अपनी नोट टेक्स्ट बुक से देख के कविता को पूरा करना है और सुंदर अक्षरों में अपनी वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर को करना है। धन्यवाद।